आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका रेशियो टॉपिक डिस्कस किया था। अब जरा बड़े वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कुछ चीजें गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी और एक क्वेश्चन गिवन होगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं जरा तीन बातें समझ लूं। सबसे पहले, अगर हम किसी भी पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिशन दे रहे हैं या कोई पार्टनर हमारी फर्म ज्वाइन कर रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, तीन बातें होंगी। पहली बात, हमारे पास जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी होगा उनका रिवैल्यूएशन होगा। असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक लैंड पड़ा है, उस लैंड की वैल्यू आपकी हमने अकाउंट से 50 लाख दिखा रखी है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए है, तो नया पार्टनर बोलेगा आप इस लैंड की वैल्यू कम करो, ताकि जब वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो। अगर कोई लायबिलिटी है उसकी वैल्यू हम कम या ज्यादा करेंगे। जो पुराने पार्टनर्स होंगे उन्होंने मशीन, आपकी कोई बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए दिखा रखी है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख है, तो पुराने पार्टनर्स उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा, उसके आने से पहले जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी होंगी हम उनका रिवैल्यूएशन करेंगे, मतलब उन्हें रिवैल्यूएट करेंगे वन बाय वन। दूसरी बात, कोई भी जब पार्टनर कंपनी में एडमिशन लेगा वो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा। एक तो वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा, नेचुरल सी बात है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए। नंबर दो, वो लेकर आएगा आपका गुडविल। मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए मैं और मेरा पार्टनर है 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमने 20 साल से मेहनत करी, शुरू में लॉसेज हुए, हमने इतना नाम कमाया, आप आ जाए चले चलाए बिजनेस पार्टनर बन गए, पकी पकाई खिचड़ी खा रहे हो। मैंने बोला कि अगर पकी पकाई खिचड़ी खानी है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे और उसी को मैंने नाम दिया गुडविल। यानी कि अगर आप किसी चले चलाए बिजनेस के पार्टनर बनते हो तो जो पुराने वाला बंदा है वो आपको फ्री में पार्टनर नहीं बनाएगा। कैपिटल तो आप लाओगे अलग से, वो आपसे कुछ पैसे मांगेगा। मतलब ये कह सकते हो कि जो उसने इतनी साल मेहनत करी उस बात की आपको उसे फीस देनी है। आपको पकी पकाई बिजनेस मिल रहा है, पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, आपको उस बात की फीस देनी है, उसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि तीन काम करने हैं, असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना है, नंबर दो काम करना है आपका नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, और नंबर तीन अगला काम क्या होगा, जो भी आपका प्रीमियम नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि गुडविल लाएगा, फीस देगा पुराने पार्टनर्स को बिजनेस में एंटर करने के लिए उनकी गुडविल के बदले। नाउ अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में मेरे को एक बैलेंस शीट गिवन है, दो पार्टनर्स हैं, ए का पैसा 15,000 है, बी का कैपिटल 10,000 है। उसने बोला है दो पार्टनर है ए और बी, उनकी रेशियो 2:1 है, सी को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद कह रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, सी आपका एडमिट हुआ है। मेन बात यह है कि आपका दो पार्टनर है, रेशियो ये है और सी को एडमिट करा है उन्होंने आपका 1/4 शेयर के लिए, आपका सी को पार्टनर बनाया है। सेकंड पॉइंट रीड करिए एक बार। सेकंड पॉइंट कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट रिड्यूस बाय 5%। कह रहा है कि आपको स्टॉक और प्लांट की वैल्यू को 5% से कम करना है। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, इस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब यह है कि जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी है उनको रिवैल्यूएट कर रहे हैं, उनकी फिर से वैल्यू निकाल रहे हैं। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दिया। अगर आपको याद होगा आपने 11th क्लास में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, इसका सेम कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी चीज को रिवैल्यूएट कर रहे हो, अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, एंट्री यहां करोगे और रिवैल्यूएट करते टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एंट्री इस तरफ करूंगा, मतलब लॉस की एंट्री इस तरफ और प्रॉफिट की एंट्री इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वैल्यू कह रहा है स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 5% से। स्टॉक मेरे पास कितने का, स्टॉक मेरे पास है आपका कितने का 10,000 का, तो स्टॉक है 10,000 का, 5% कितना आ गया 500 रुपए, तो मैंने यहां डाल दिया 2 स्टॉक, कितना आपका 500 रुपए। अगली चीज मेरे पास कह रहा है प्लांट की वैल्यू रिड्यूस करनी है, प्लांट है 17,500 का, तो अगर मैं निकालू आपका 17,500 का 5% निकल कर आता 875, तो मैंने यहां पर डाल दिया 2 प्लांट, 875 रुपीज मैंने प्लांट की वैल्यू कम कर दी। अगली एंट्री पर आ जाइए, A provision for doubtful debt was to be created in the respect of the debtors rupees 375। मुझे एक प्रोविजन बनाना है डेटर्स के लिए, मतलब ये मेरा बाजार में माल घूम रहा है, उधार में माल बेच दिया, मेरे को डाउट हो रहा है कि 375 रुपए मेरे डूबने के चांसेस हैं, तो उस डूबने से बचने के लिए मैं एक प्रोविजन बनाऊंगा, उसको मैंने नाम दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या नाम दिया आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने प्रोविजन बनाया ये मेरा लॉस होता है, तो मैंने यहां डाल दिया 2 provision for DD, लिख रहा हूं शॉर्ट में, डाउटफुल डेट 375 का मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। और आखिरी एंट्री क्या रहा है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। डेप्रिशिएट का मतलब था वैल्यू कम करनी है,
एप्रिशिएट का मतलब है बिल्डिंग की वैल्यू आपकी बढ़ानी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू मेरी बढ़ रही है, मैंने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी, तो अगर फायदा हो रहा है इस तरफ, लॉस हो रहा है इस तरफ, तो बाय बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग बढ़ानी है, 10-10%। बिल्डिंग थी 25,000 की, कितना आ गया आपका 2500 रुपए आ गया, मेरी सारी इंटरेस्ट कंप्लीट हो गई। फायदा नुकसान इसे क्लोज कर देते हैं जरा, मैंने इसका टोटल करा, टोटल मेरे पास इसका आपका आ रहा है 2500 रुपए, इधर भी कितना आ जाएगा आपका 2500 रुपए। एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या इन एंट्रीज के करने से पहले सी पार्टनर बन चुका है? नहीं, इन एंट्री के करने के बाद सी पार्टनर बनेगा, अभी पार्टनर नहीं बना। पहले हम रीवैल्यूएट करेंगे, असेट और लायबिलिटी की वैल्यू ठीक करेंगे, उसके बाद वो मेरा पार्टनर बनेगा। अब इस अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा, अगर डिफरेंस आ रहा है इधर तो मतलब मुझे प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन करने पे, इधर करूंगा तो मेरे को आपका लॉस आ रहा है। और दूसरी बात, जो भी इस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, यानी कि ए और बी में, सी में क्यों? क्योंकि सी अभी तक एंटर नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सी को मैं लॉस या प्रॉफिट इसलिए नहीं सकता बिकॉज ये पुराना प्रॉफिट या लॉस है। चीज की बात, जब सी अभी तक पार्टनर बना ही नहीं तो सी को प्रॉफिट या लॉस देने का मतलब नहीं बनता। मैंने इसका टोटल करा, टोटल मेरे पास आपका आ रहा है 2500। 2500 में से मैंने तीन चीजें माइनस कर दी, पहला माइनस किया 500, फिर माइनस किया 875 और फिर माइनस किया 375। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 750 मेरा आंसर आ गया। अब 750 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा, लॉस कम है, 750 का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट बटेगा ए और बी में, उनकी रेशियो में, ए और बी की जो रेशियो है, 750 का प्रॉफिट हुआ, ये बटेगा ए और बी में, किस रेशियो में? ए और बी की रेशियो है 2:1। अगर मैं 750 को 2:1 में बांटता हूं तो यानी कि 500 रुपए इसको मिलेंगे और 250 रुपए इसको मिलेंगे, और ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर हो जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। याद करो 11th क्लास में जब नेट प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट हम कैपिटल के अंदर ऐड करते थे। अगेन सेम चीज यहां पे करेंगे, अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है हम उसके कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, कितना 500 इसको मिला था, 250 इसको मिला था, टोटल प्रॉफिट हुआ था 750 का, अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। दोबारा समझ लो, लॉस की एंट्री इधर करनी है, प्रॉफिट की एंट्री इधर करनी है, जितने से डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस की एंट्री पास करनी है, एक्चुअल अमाउंट की एंट्री पास नहीं करनी। कितने से वैल्यू कम हुई है या कितने से वैल्यू बढ़ी है, बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये मेरा अकाउंट खत्म हो गया, अगली बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो मेरा नेचर है, ये है मेरी डेबिट साइड और ये है मेरी क्रेडिट साइड। अगर आपको पार्टनर के अकाउंट में पैसे प्लस करने हैं तो मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा क्रेडिट साइड, और अगर आपको पार्टनर के अकाउंट में पैसे माइनस करने हैं तो मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा आपका डेबिट साइड, बिकॉज कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है और कैपिटल बढ़ने पर, लायबिलिटी बढ़ने पर हम ऐड क्रेडिट करते हैं और कम होने पर आपका डेबिट करते हैं। अगर मेरी कैपिटल बढ़ रही है एंट्री उधर होगी, कम हो रही है आपकी एंट्री मेरी इधर होगी, सिंपल सी बात। दूसरी बात, इस अकाउंट को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बात याद रखना, इस अकाउंट में हमेशा 5 एंट्री आएंगी। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है तो सिर्फ 4 एंट्रीज आएंगी, वैसे 5 आएगी, 5 ही कौन सी होगी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आपको 4 एंट्रीज याद करनी है इस अकाउंट में, कौन कौन सी 4 एंट्री आएंगी। सबसे पहली एंट्री, इनकी जो ओपनिंग कैपिटल पड़ी है आपको इस ओपनिंग कैपिटल को वहां पर ट्रांसफर करना है, यानी कि आपका सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, का मतलब है इनकी ओपनिंग कैपिटल, कितनी ओपनिंग कैपिटल पड़ी है, इनकी ओपनिंग कैपिटल पड़ी है 15,000 और 10,000 मैंने ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफर कर दी, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई है, मैंने ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफर कर दी, कितनी आपकी 15,000 और 10,000 मेरी आपकी ओपनिंग कैपिटल है, मैंने ट्रांसफर कर दी। इसके बाद इस अकाउंट में जो भी तुम्हें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे तुम्हें वहां पर ट्रांसफर करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी ट्रांसफर करना है और अगर लॉस हो रहा है तुम्हें तो भी ट्रांसफर करना है। अब प्रॉफिट यहां पर आएगा, लॉस यहां पर आएगा, हमेशा आपको इस अकाउंट में क्रॉस एंट्री चलनी है, मतलब अगर यहां पर डेबिट में आ रहा तो वहां क्रेडिट में जाएगा और यहां क्रेडिट में आ रहा तो आपका डेबिट में जाएगा, ये डेबिट में आ रहा था तो मैंने वहां क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है मुझे आपका 500 रुपए का और आपका 250 रुपए का मैंने आपका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट हुआ था, दैट्स इट। अगली चीज, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो नया पार्टनर है बिजनेस में दो चीजें लेकर आएगा, एक तो कैपिटल लेकर आएगा, फर्स्ट एंट्री पढ़ो, सी ब्रिंग ₹7500 एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है वो। याद करो 11th में आपने कैपिटल की एंट्री करी थी, तो कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, कैश चल रहा है, कैश ले लेते हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट आपका डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो मैंने एंट्री यहां पास कर दी किसके नाम से, बाय कैश, कितने पैसे लेकर आया वो, सी के कैपिटल में डाल दिया मैंने आपका 7500 रुपए। आखिरी चीज, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है आपका, वो गुडविल लेकर आ रहा है, कितने की गुडविल लेकर आ रहा है वो, 3000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है जो पार्टनर है वो, क्या कर रहा है आपका 3000 रुपए की आपकी गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल कितनी है उसकी,
3000 रुपए की आपकी उसकी गुडविल है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल के पैसे मतलब एक तरीके से बिजनेस में हमने जो मेहनत करी उसकी फीस दे रहा है, ये फीस बटेगी ओल्ड पार्टनर में। हमेशा ध्यान रखना, जो गुडविल का पैसा होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में बटेगा। किस रेशो में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो में, मतलब किस किस रेशो में हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मान लीजिए एक नया पार्टनर आया, सपोज करो दो पार्टनर है, एक मैं हूं एक मेरा पार्टनर है, आपने एडमिशन लिया। जो नया पार्टनर आया, बी ने साफ मना कर दिया अपने हिस्से में से वो कुछ नहीं दे रहा, सपोज करो सारा हिस्सा उसे मैं दे रहा हूं, तो अब जब वो गुडविल के पैसे लेकर आएगा तो सारा गुडविल का पैसा भी उसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, बी को सारा पैसा मुझे मिलेगा, बिकॉज सारा सैक्रिफाइस मैंने किया। तो एक बात याद रखना, गुडविल का पैसा उसे मिलेगा जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि गुडविल का पैसा हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। अब याद करो मैंने एक बात बताई थी कि क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें बता रखा है कि जो ए और बी है उनकी रेशियो है 2:1 और सी एडमिट हुआ 1:4 के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर से इतनी जानकारी गिवन होती है तो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता है, और नॉर्मल क्वेश्चन के केस में जो मेरी ओल्ड रेशियो होती है वही मेरी क्या होती है, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि इस केस में मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई आपकी, 2:1 हो गई। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल होता है तो मेरी ओल्ड रेशियो ही क्या होती है, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, यानी कि ये मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई, यानी कि जो वो गुडविल का पैसा लाया 3000 रुपए को बटेंगे ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में, यानी कि ए को मिलेगा 2000 और इसको कितना मिलेगा 1000। जो पैसा आया वो बटेगा ए और बी में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 2000 रुपए और इसको मिलेगा 1000 रुपए। इसको मैंने क्लोज कर दिया बिकॉज वो कोई एंट्री क्वेश्चन में नहीं है। क्लोज करने के बाद इसका मैंने टोटल किया, इसका टोटल मेरे पास आ रहा है 15,011 आपका 17,500, इसका टोटल मेरे पास आ रहा है 10,000 और 11,000 ये आ रहा है 11,250 और इसका टोटल आ रहा है 7,500 रुपए। इस जगह कोई एंट्री नहीं है तो सीधा आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास आ गए 2 balance CD, यानी कि इन सबके क्लोजिंग बैलेंसेज है, यानी कि ए की कैपिटल में साल के आखिरी दिन पड़े हैं 17,500, इसके में पड़े हैं 11,250 और इसके में पड़े हैं आपका 7,500। ये मेरा कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपको जो आखिरी काम करना है, वो आखिरी काम करना है आपको इस क्वेश्चन में बनानी है बेटा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा, पता ही है आपको, लायबिलिटी अमाउंट एसेट और अमाउंट आपका, ये मेरा कॉलम है आपका बैलेंस शीट का, ये मेरी आपकी बैलेंस शीट हो गई। ये मेरी आपकी बैलेंस शीट आ गई। लाइन वाइज चलते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको आइटम दे रखी है बिल्डिंग, तो मैंने यहां पर आपका बिल्डिंग लिख दिया। बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 थी और 2500 उसने बढ़ाने के लिए बोली थी। क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जो भी चीजें आपने रीवैल्यूएट करी है उसका आपको जो उसका इफेक्ट है आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। बिल्डिंग की वैल्यू मेरी 25,000 थी, 2500 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, 25,000 पहले से थी, यानी कितनी हो गई आपका 27,500 मेरी बिल्डिंग की वैल्यू आपकी अब हो चुकी है। अगली एंट्री है आपका प्लांट। प्लांट मेरे पास कितने का था, प्लांट मेरे पास था आपका 17,500 का था। प्लांट पे जरा चेक करो कितनी वैल्यू आपने कम करी थी, 875 रुपीज आपने प्लांट की वैल्यू कम करी थी। 17,500 मेरा प्लांट था, 875 आपने वैल्यू कम करी, यानी कि प्लांट की मेरे पास वैल्यू बची कितनी आपका 16,625 मेरे पास प्लांट की वैल्यू बची, मैंने यहां लिख दी। स्टॉक की वैल्यू थी 10,500, आपने स्टॉक की वैल्यू कम करी तो मैंने आपका स्टॉक की वैल्यू कितनी लिख दी, 500 कम करके लिख दी, कितनी 9,500। जिसकी वैल्यू बढ़ रही है बढ़ा के लिखोगे, जिसकी वैल्यू कम हो रही है कम करके लिखोगे। अगला है डेटर है 4850 का, तो मैंने यहां पर लिखा आपका डेटर है मेरे पास 4850 की। जरा ध्यान दो, डेटर पे आपने एक प्रोविजन क्रिएट किया था, आपने डेटर पे आपने एक प्रोविजन क्रिएट किया था 375 रुपए का, 11 में भी हम क्या कर देते माइनस कर देते, तो मैंने अभी भी माइनस कर दिया। प्रोविजन कितना आपका 375 रुपए का आपका, तो 4850 माइनस में 375 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया, मेरा आंसर आ रहा है आपका 4475 का, मेरा आपका आंसर आ गया, मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। अगला काम, मेरे पास कैश दे रखा है, जरा बात को गौर करिएगा, मेरे पास क्वेश्चन में कैश दे रखा है, मेरे पास ऑलरेडी कितना कैश पड़ा है, मेरे पास सिर्फ 600 रुपए पड़ा था। नया पार्टनर कुछ कैश लेकर आया था, एक तो वो कैपिटल के लाया था 7500 पे, मैंने वो ऐड कर दिए बिजनेस के अंदर। देखो हमें यहाँ पर ये दिखाना है बिजनेस में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एक तो हमारे पास 600 रुपए का कैश पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर आपका 600 रुपए मैंने आपका 600 ले लिया। नया वाला पार्टनर कैश लेकर आया 7500 पे, मैंने वो भी लिया, प्लस वो गुडविल के पैसे भी लाया 3000 रुपए, मैंने वो भी ऐड कर दिया। लेकिन सर जो 3000 वो लाया था वो तो ए बी में बांट दिए थे, बिल्कुल ए और बी में बांट दिए, लेकिन मैंने ये कब बोला है, क्वेश्चन ने ये कब बोला कि ए और बी वो पैसा निकाल के अपने घर ले गए,
क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो पैसा बिजनेस के बाहर गया है, मान के ये चलेंगे तो वो खुद नहीं बोलता कि पैसा निकल गया, पैसा बिजनेस के अंदर है। तीनों को ऐड कर दिया, 600 रुपए पहले से पड़े थे हमारे पास फर्म के पास, 650 पहले से पड़े थे हमारे पास, 7500 रुपए वो और लेकर आया और प्लस 3000 और लेकर आया। टोटल हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है आज की डेट में बिजनेस में वो है 11100 रुपए का कैश पड़ा हुआ है। इसका टोटल कर देंगे, पहले लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगली बात कह रहे हैं लायबिलिटी में मेरे पास एक ही एंट्री दे रखी है, वो है आपका क्रेडिटर। मैंने आपका क्रेडिटर डाल दी, कितने के दे रखे हैं आपका क्रेडिटर दे रखे हैं मुझे आपका 32950 के क्रेडिटर दे रखे, क्रेडिट डाल दिए। अगली चीज कह रहा है कैपिटल, कल तक मेरे पास खाली दो पार्टनर थे लेकिन अब मेरे पास तीन पार्टनर है, तो आपको तीनों की कैपिटल यहाँ पर डालनी है। ए की कैपिटल, बी की और सी की। ए की कैपिटल है 17500, बी की कैपिटल है 11250 और जो सी की कैपिटल है वो मेरे पास है 7500। मैंने तीनों को ऐड कर दिया, 17500 प्लस 11250 और प्लस 7500 रुपए, तीनों को ऐड कर दिया। मेरे पास जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 36250। मैंने तीनों को आपका ऐड कर दिया। अब अगर मैं सबका टोटल करता हूँ दोनों साइड का, अगर तुम्हारा टोटल मैच कर गया तो तुम्हारा आंसर सही है, अदरवाइज तुम्हारा आंसर गलत है। यानी कि 27500 प्लस 6625 प्लस 9500 प्लस 4475 प्लस 111100, टोटल मेरे पास आपका आ रहा है 69200। ये मेरे पास आ गया आपका 69200। इसका टोटल कर लेता हूँ 32950 और प्लस 36250, मेरे पास अगेन आपका आ रहा है 69200। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लॉस हो रहा है एंट्री इधर, प्रॉफिट हो रहा है एंट्री इधर, अगर डिफरेंस इधर आया प्रॉफिट, डिफरेंस इधर आया लॉस, अगर इधर आ रहा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर वहां हो जाएगा, इधर बैलेंस बी डालना है, प्रॉफिट डालना है, जो पार्टनर कैश लेकर आया वो डालना है, जो पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर में बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाई चांस इस क्वेश्चन में मेरी ओल्ड रेशियो की सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी, इसीलिए मैंने 3000 को 2:1 की रेशियो में बांट के इसे क्लोज कर दिया, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी। उसके बाद जो भी तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट करी है उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखा दो, पहले कैपिटल दो पार्टनर की थी अब तीन पार्टनर की डाल दो, और अगर ये दोनों साइड तुम्हारी मैच हो रही है दैट मीन्स आपका आंसर सही है, अगर मैच नहीं हो रही इसका मतलब आपने कहीं पे गड़बड़ करी है, आपको ऊपर से इसे चेक करना पड़ेगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। हमने डिस्कस कर लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा फर्क नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आपकी बैलेंस शीट दे रखी है मेरे पास आपका। वो कह रहा है दो पार्टनर्स हैं, आपका नाम है ए और बी, रेशियो है आपका 2:3 की रेशियो है, और आपका इन्होंने सी को एडमिट करा कि उसने कहते 1/3 के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट को लीव करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। वो कह रहा है कि स्टॉक एंड फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है 10% से। स्टॉक मेरे पास 18 का और फर्नीचर है 4400 का, तो स्टॉक आपका वैल्यू रिड्यूस करनी है 10%, तो स्टॉक का 10% कितना आ गया आपका 1800 रुपया आ गया, और फर्नीचर का 18000 का 10% लॉस की वैल्यू एंट्री यहाँ होगी और प्रॉफिट की एंट्री यहाँ होगी, तो स्टॉक का 10% यहाँ डाल दिया, फर्नीचर का वैल्यू कम करनी थी 10% आपका यहाँ डाल दी। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपका, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करनी है 15000 से, आपको बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। बिल्डिंग की वैल्यू मेरी कितनी है आपका, बिल्डिंग की वैल्यू मेरी आपकी 40000 है, वैल्यू 15000 से बढ़ानी है, फायदा हो रहा है मेरा, तो बाय बिल्डिंग 15000 स्टेट है मैंने आपका यहाँ डाल दिया। अगला काम एंट्री नंबर 4, प्रोविजन ऑफ 5% टू बी आपका मेड ऑन डेटर, आपको जितने भी डेटर्स हैं उसका 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। बेसिकली मतलब क्या है, मैंने बाजार में माल बेचा, मेरे को डाउट हो रहा है कि मेरे कुछ पैसे डूब जाएंगे, तो उससे बचने के लिए मैं एक प्रोविजन बना रहा हूँ 5% का। डेटर मेरे कितने हैं, डेटर मेरे हैं आपका 5500 रुपए के, 5500, उसका 5% मेरे पास आ रहा है 275 रुपए का, मैंने यहाँ पे आपका एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया आपका 275 रुपए का, मैंने आपका प्रोविजन क्रिएट कर दिया। अगली एंट्री क्या है, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम आपका 2400 टू बी प्रोवाइडेड, मतलब अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है पैसे मिलने थे लेकिन मिल नहीं, और अनअकाउंटेड का मतलब है आपने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। बेसिकली एक्रूड इनकम मेरी एक असेट है, और अगर मैं असेट को रिकॉर्ड करता हूँ मेरे को फायदा हो रहा है, बिकॉज मुझे पैसे मिलने हैं तो इसीलिए मेरे को फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया बाय एक्रूड इनकम, कितना आपका 2400 रुपए। अगली एंट्री कह रहा है कि डेटर हूज ड्यूज ऑफ 4800 रिटन ऑफ एज अ बैड डेट, कह रहा है कि डेटर था जिससे हमें 4800 रुपए लेने थे, वो बजट हो गया, मान लो लास्ट ईयर हो गया, उसके मन में दया जाग गई और वो आज मेरे पैसे देने के लिए आ गया इस साल, वो कह रहा है कि पेड 50% इन द फुल सेटलमेंट का मतलब है वो 50% पेमेंट देकर चला गया मुझे आज, उसने मेरे को पेमेंट दी आपका 50% पेमेंट दे दी उसने,
50% पेमेंट दी तो मुझे फायदा हो रहा है आपका, 4800 का 50% हो गया, बाय बैड डेट रिकवर मेरा फायदा हो रहा है, मैंने यहाँ डाल दिया कितना 2400 रुपए का फायदा हो रहा है। और आखिरी एंट्री कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग रूपीज 4800 रुपए, मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट देना था लेकिन मैंने दिया नहीं। तो जब मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट देना था लेकिन दिया नहीं तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मेरा लॉस हो रहा है, मैंने यहाँ डाल दिया आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कितने का आपका, ये आ गया मेरा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 4800 रुपए का, मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने सबको ऐड किया 19200 आया, इन सब में से इन चार आइटम को माइनस कर दिया, मेरे पास निकल कर आ रहा है 12485 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। जो भी प्रॉफिट आएगा अभी सी का एडमिशन नहीं हुआ वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर है ए और बी और रेशियो कितनी है आपका 2:3 की रेशियो है, तो मैं इस प्रॉफिट को 2:3 की रेशियो में मैंने आपका बांट दिया, ए को दिया 44994 और आपका 12485 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका 7409 मैंने आपका बांट दिया, ये मेरा कंप्लीट हो गया रिवेल्यूशन अकाउंट। इसके बाद मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 5 एंट्रीज आती हैं, क्वेश्चन अभी सिंपल है तो हमारे केस में सिर्फ 4 एंट्री आएंगी। सबसे पहली उनके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ उसको बोलते हैं आपका बैलेंस बीडी, मैंने डाल दिया बाय बैलेंस बीडी 34050 आपका पैसा पड़ा हुआ था। दूसरी एंट्री रिवेल्यूशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसकी एंट्री ट्रांसफर होकर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्रॉस एंट्री अगर यहाँ डेबिट में तो वहां क्रेडिट में जाएगी और अगर वहां क्रेडिट में तो यहाँ पर आपका डेबिट में जाएगी, फिलहाल डेबिट में तो मैंने क्रेडिट को ट्रांसफर कर दी, बाय रिवेल्यूशन अकाउंट 4994 और 7409 मैंने आपका ट्रांसफर कर दिया। अगला काम फर्स्ट एंट्री कह रहा है कि सी ब्रिंग रूपीज 30,000 फॉर इस कैपिटल, जो सी है वो आपका 30,000 रुपए अपनी कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है प्लस 30,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है और 20,000 गुडविल के लेकर आ रहा है, तो मैंने आपका डाल दिया बाय कैश कैपिटल में मैंने आपका 30,000 रुपए डाल दिया, बिकॉज जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मैंने एंट्री पास कर दी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सी इस कैपिटल अकाउंट, सीधा मैंने सी के अकाउंट में डाल दिया। अगला काम वो गुडविल लेकर आया 20,000 के, क्वेश्चन याद करो नॉर्मल है बिकॉज ए और बी की रेशियो दे रखी है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ इतना गिवन होता है इसको नॉर्मल क्वेश्चन मानते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन के केस में मेरी ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होती है, यानी कि वो लेकर आया 20,000 रुपए। देखो सीधी सी बात है जो पैसा आपका नया पार्टनर लेकर आया है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ेगा किस रेशियो में, उस रेशियो में जितना जितना दोनों पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, नए पार्टनर को हम टोटल 1/3 दे रहे हैं, 1/3 दिया किसने, 1/3 अपनी जेब से दिया ए और बी ने किस रेशियो में 2:3 में, इसने कम दिया इसने ज्यादा दिया, जब इसने ज्यादा दिया है तो इसको आपका बदले में वापस जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा ज्यादा, 20,000 गुडविल के आए थे, मैं दोनों पार्टनर्स में बांट दूंगा ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन बाय चांस नॉर्मल क्वेश्चन के केस में ओल्ड रेशियो ही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, तो मैंने इस आपका 20,000 को 2:3 के रेशियो में बांट दिया, कितना 8,000 और 12,000 और एंट्री पास करूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आपका मैंने बांट दिया 8,000 और 12,000। एंट्री कंप्लीट, इसको मैंने ऐड करा 47004 आ रहे हैं, वही मेरा इसका बैलेंस ईडी हो गया, इन सबको ऐड करा वो मेरा इसका बैलेंस ईडी हो गया, इसको मेरा आपका ये इसका बैलेंस ईडी हो गया। इसके अलावा और कोई एंट्री इस क्वेश्चन में दे में रखी, अब मेरे पास आपका मेरी आपका पीसीए भी कंप्लीट हो गया और मेरा आपका रिवेल्यूशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अगली जो मेरे को चीज बनानी है वो है मेरी आपकी बैलेंस शीट। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, अगली चीज मेरे को बनानी है आपकी बैलेंस शीट, सबसे पहली जो मेरी आपकी एंट्री आ रही है मेरी बैलेंस शीट में, चेक करो ऊपर बैलेंस शीट में दे रखा आपको कैश, कैश मेरे पास कितना पड़ा है, कैश मेरे पास पड़ा आपका 710 रुपए का मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, नए पार्टनर 50,000 का कैश और लेकर आया मैंने वो भी ऐड कर दिया। देखिए मेरे पास कैश पड़ा था आपका 710 रुपए का, जो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए लेकर आया 30,000 और 20,000 टोटल 50,000 लेकर आया, मैंने दोनों को आपका ऐड कर दिया, तो यानी कि 710 प्लस में 50,000 यानी कि हमारे पास फिलहाल आज की डेट में कंपनी के पास जो कैश पड़ा है वो पड़ा है 50710 का मेरे पास कैश पड़ा है, बैंक में कोई एंट्री चेंज नहीं हुई थी, बैंक को मैंने एज इट इज डाल दिया, बैंक में मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, बैंक में मेरे पास पड़े हैं पैसे 11,925 रुपए मेरे पास बैंक में पड़े हुए हैं। अगला कह रहा है डेटर, डेटर में थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ था, डेटर मेरे पास थे कितने के 5,500 के, क्वेश्चन में देखो आपका ध्यान दो एक प्रोविजन बनाया गया था 275 रुपए का, वो मुझे यहां से माइनस करना है, डबल एंट्री करनी है, तो मैंने माइनस कर दिया आपका क्या प्रोविजन माइनस कर दिया 275 का, मैंने प्रोविजन माइनस कर दिया 5,500 के मेरे पास डेटर थे उसमें से 275 का प्रोविजन दिया, मेरे पास बचा आपका 5,225
माइनस करने के बाद मेरे पास एक अमाउंट निकल कर आ गया, वो आ गया आपका 5225 आ गया। अगला काम करना है आपको स्टॉक की एंट्री करनी है। अगर मैं बात करूं स्टॉक मेरे पास था 18,000 का, 18,000 का स्टॉक पे आपने वैल्यू कम करी थी 1800 रुपए, 18,000 का स्टॉक था, 1800 आपने वैल्यू कम करी, मेरे पास स्टॉक बचा आपका 16,200 का। आपको यहाँ पर हर चीज को रीवैल्यूएट करके डालना है, मैंने इसकी एंट्री भी कर दी। अगली है फर्नीचर, फर्नीचर था 4400 का, फर्नीचर की वैल्यू आपने कम कर थी 440 रुपए, तो 4400 में से मैंने माइनस कर दिया आपका 440, मेरे पास वैल्यू बची 3960, यानी कि जो फर्नीचर की वैल्यू बची है वो बची है 3960, मेरे पास फर्नीचर की एंट्री भी होगी। अगली चीज कह रहा है आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरी थी 40,000 की, 15,000 की बिल्डिंग की वैल्यू आपने बढ़ाई थी, तो 40,000 की बिल्डिंग मेरे पास पहले से थी, 15 की मैंने वैल्यू बढ़ाई, यानी कि आज मेरे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो है आपका 55,000 रुपए। एंट्रीज कंप्लीट, ये मेरे पास सारी हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ एंट्रीज नजर आ रही है, टिक नहीं लगा। पहला आउटस्टैंडिंग रेंट, मेरे को एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, तो मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया आपका, बिकॉज मेरी लायबिलिटी है किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आ गया मेरा आपका 4800 रुपए आ गया। अगली एंट्री मेरा कह रहा है आपका एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम या इंटरेस्ट एक ही बात है। एक्रूड इनकम की बात करूं तो मतलब ये हुआ कि पैसे मिलने थे लेकिन मिले नहीं। अगर पैसे मिलने थे और नहीं मिले, मेरे को एक असेट क्रिएट करनी थी, असेट क्रिएट कर दी। और दूसरी बात, ये जो एक्रूड इनकम है ये मेरी असेट है, बिकॉज मेरे को पैसे लेने हैं, तो इसलिए इसको मैंने बैलेंस शीट में असेट से डाल दिया। किसके नाम से? एक्रूड इनकम, कितना आपका 2400 रुपए के नाम से डाल दिया, यानी कि मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। आखिरी काम रह गया बैड डेट रिकवर। जब आपको बैड डेट रिकवर हुआ होगा, अगर आपको बैड डेट रिकवर होता है, कैश में एंट्री क्या करते हैं, जल एंट्री में एंट्री क्या पास करते हैं, जल एंट्री के अंदर हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट आपका डेबिट टू बजट रिकवर अकाउंट, हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बजट रिकवर अकाउंट। कैश में मेरे पास पैसा आ रहा है तो मतलब कैश में ऐड हुआ होगा, कैश बजट रिकवर में मैंने ऐड कर दिया। कैश के अंदर मेरे पास पड़े हैं ऑलरेडी 50,710, कहां से आए थे ऊपर चेक करो, 710 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, उसमें से आपका नए वाले पार्टनर 50,000 और लेकर आया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया, प्लस बजट रिकवर से मेरे को 2400 रुपए और मिले थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए। टोटल मेरे पास आ रहा है 53,110 रुपए, मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 53,110। कैसे आया? उसको ऐड करा, इसको ऐड करा और 50,000 वो वाला ऐड करा, इसका टोटल कर लो जो भी आएगा आपका, मैंने यहाँ लिख दिया। लायबिलिटी साइड की बात करता हूँ, लायबिलिटी में रेंट था, मैंने रेंट डाल दिया, एक दे रखा क्रेडिटर, तो मैंने आपका लायबिलिटी में क्रेडिटर डाल दिया, कितना आपका 12,435 रुपए का मेरा क्रेडिटर था, मैंने क्रेडिटर डाल दिया। अगला काम मैंने क्या किया, कैपिटल दे रखी है मेरे को आपका, लेकिन अब कैपिटल ये नहीं है, ये डाल दिया बिकॉज तीन पार्टनर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा आपका कैपिटल, तीन पार्टनर है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। पहला आ रहा है 47,044, अगले की आ रही है 53,541 और तीसरे की आ रही है 30,000। तीनों को ऐड कर देना, जो भी आएगा यहाँ लिखना, उसके बाद इसका भी टोटल कर देना आपका, इसको भी यहाँ लिख देना। अगर बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है That means आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो ये था मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर